प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 4:12-13 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली खुली और प्रगट हैं। परमेश्वर का वचन बहुत गहरा और हमारी समझ से परे है। जब पवित्र आत्मा किसी वचन का भेद समझाता है तो अद्भुत है। पवित्र आत्मा की टीचिंग, पवित्र आत्मा का समझाना अनोखा है, अलौकिक है और उसके उदाहरण अद्भुत हैं। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया और समझ दी, समझाया कि परमेश्वर का वचन जीवित जीवित प्रबल जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इन दो लाइनों को, उसके बाद में आगे का वचन पढ़ेंगे। ये आधा वचन है, इसी को जब पूरा पढ़ेंगे तो इसका भेद जानेंगे। परमेश्वर ने समझाया कि जीवित वचन, जीवित का मतलब जिंदा। किसी व्यक्ति के कान में एक बार चींटी घुस गई और जब वो चींटी घुस गई तो वो कान में चिल्लाने लगा और कूदने लगा, क्योंकि वो चींटी कान में से घुस के उस रास्ते पे जा रही थी तो वो कहीं दिमाग में भी जा सकती थी। और जब वो चींटी के कारण इतना परेशान हुआ, उतावला हुआ, तो किसी ने बताया कि उसमें कान में गरम तेल करके डाल दो, तब वो थोड़ी देर बाद में मर गई और निकल गया। अब जीवित चीज जो है वो चलती है, वो मरी हुई चीज नहीं है, जीवित है। और फिर उसके ऊपर प्रबल, प्रबलता उसकी ऐसी होती है, वचन की प्रबलता, कि उस प्रबल प्रबल जैसे परमेश्वर की वाणी, जो ऊपर से परमेश्वर की वाणी जब मेघों के बीच में गरजती है तो वो देवदारों को तोड़ देती है। इतना प्रबल, जीवित, चलने वाला वचन, वेग से दौड़ने वाला वचन, प्रबल। वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। अब दोधारी तलवार दो ओर से पैनी, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है हमारे नुकसान का नहीं है। उसकी छड़ी, उसकी डांट, उसका डांटना, उसका कोड़ों की मार, सब जिस पुत्र से प्यार करता है उसे कोड़े भी मारता, अपने वचन को भेजता है। उसका वचन हमारे लिए जीवन देने वाला, हमारी भलाई के लिए न्याय और धर्म की शिक्षा देने वाला होता है और दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। संसारिक रीति से हम तलवार को देखें तो तलवार किसी के पैर में, हाथ में, शरीर में घुसे तो लहूलुहान कर देती है, दर्द होता, आदमी चिल्लाता और शरीर में कट लग जाता है। लेकिन ये हमारे परमेश्वर की तलवार ऐसी है, ऐसा वचन है कि ये बॉडी को, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन शरीर के अंदर घुस भी जाता है।
तलवार की तरह। और जब वो तलवार की तरह परमेश्वर का वचन अंदर तक घुस जाता है, बॉडी के किसी भी भाग में एक एहसास दे जाता है, छू जाता है, तो इंसान को महसूस होता है। तो बहुत चोखा है, दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को। प्राण हमारे शरीर में है, प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है। जब पवित्र आत्मा समझा रहा था कि प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ को और गुद्दे गुद्दे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, तो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि आर पार छेदने का मतलब क्या है, अलग अलग भाग में घुसकर वचन कैसे आर पार छेदता है। पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, एक बार कोई एक व्यक्ति किसी दुकान पे गया वो मटन लेने के लिए, तो उसके साथ एक बार मैं भी गया था, तो उसने बताया बेचने वाले ने क्या चाहिए, सीना चाहिए, लेग पीस चाहिए, कलेजी चाहिए, या कौन सा भाग चाहिए। तो जब वो मटन को पूरे को काट के उसने लटका रखा था, उसमें उसके कई भाग थे बॉडी के, तो उसने खरीदने वाले से पूछा क्या क्या चाहिए, तो उसने कुछ कुछ बताया और उसने वो दिया। प्रभु कहता है कि तुम्हारे अंदर जो प्राण है, प्राण में क्या है, बॉडी के अंदर जो नसों में बहने वाला जो खून है, रक्त है, उसमें प्राण है, और प्राण के अंदर क्या है, अभिलाषाएं हैं, अभिलाषाओं के अंदर क्या है, भावनाएं हैं, विचार घूमते हैं, शरीर के अंदर भी घूमते हैं, मन के अंदर भी घूमते हैं। तो प्राण को, आत्मा को, प्राण और आत्मा की निकटता नजदीक नजदीक है, इसलिए जब प्राण कुछ करता है तो आत्मा तक भी उसका असर जाता है, आत्मा में भी उसकी दुख या खुशी महसूस होती है। इसीलिए वचन जो है प्राण तक पहुंचता है और आत्मा तक भी असर जाता है, और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे। अब ये गांठ कौन सी है, हमारे ही अंदर कई बार गांठ होती है, क्षमाहीनता की गांठ हो सकती है, बदले की भावना की गांठ हो सकती है, मन के किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति जो किसी को ना पता, चुपचाप मन ही मन चल रहा हो, वो गांठ हो सकती है। तो गांठ कई तरह की हैं। मनुष्य अपने मन में, भावनाओं में और विचारों में हो सकता है किस किस प्रकार की गांठ रखता हो, गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है। अब गुद्दा क्या है, गुद्दा जब होता है जब किसी अंग का कोई भाग पे अधिक मांस चढ़ जाए, वो गुद्दा होता है। प्रभु ने कई जगह चेतावनी भरे वचनों में कई जगह बोल रखा, बहुत लोगों का हृदय मोटा हो गया, मांस चढ़ गया, बहुतों की आंखों के ऊपर गुद्दा चढ़ गया घमंड का। तो परमेश्वर उस गुद्दे गुद्दे को देखता है, अलग अलग करके गांठ गांठ को देखता है, गुद्दे गुद्दे को देखता है, अलग अलग करके आर पार छेदता है। ये परमेश्वर का वचन है जो आर पार छेदता है।
और मन की सब भावनाओं और विचारों को जांचता है। मैंने एक बार एक मरीज को देखा था, उसके मुंह के अंदर से एक छोटा जैसे दूरबीन टाइप में होती है दूरबीन, और उसके साथ साथ एक छोटी टॉर्च, दोनों चीज मुंह से डाली किसी के पेट में, और वो एक इलाज था। ब्लड में जब टीबी हो जाती है तो उसकी एक जांच होती है, तो वो टीवी के ऊपर स्क्रीन में कुछ कुछ आता रहता है। तो परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह भी है। जब कोई मनुष्य अपना स्वाभाविक रूप उसमें देखता है, वचन के सामने जब बैठता है, तो मनुष्य को अपनी चाल चलन, अपनी भावनाएं, अपने विचार उस शीशे में दिखते हैं। परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है। तो परमेश्वर का वचन जब तलवार के समान अंदर घुसता है और जब वो प्रबल रीति से जीवित वचन घुसता है, और उसके बाद जब वो प्राण और आत्मा के अंदर के बातों को समझता है, गांठ को समझता है, गुदे को देखता है, उनको आर पार छेदता है और सब भावनाओं और विचारों को जांचता है। आगे लिखा, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है। परमेश्वर के लोगों को जिस किसी भी वस्तु से काम है, उसकी आंखों से छिपी नहीं है। उसके सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है, प्रकट है, खुली है। तो धन्यवाद परमेश्वर का। एक बार एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो अपने कमरे में आराधना कर रहा था परमेश्वर की, और मगन था कमरा बंद करके। जब वो आराधना कर रहा था तो कमरे में परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, और उसने कमरे के अंदर एक हीरे के समान जैसे छोटा सा हीरा होता है, वो गोल जैसे मटर का दाना होता है, इस तरीके से एक हीरे जैसी एक लाइट को देखा, और उसको कमरे के अंदर ऐसे लग रहा जैसे कोई आदमी डग रखता है, चलता है। जब व्यक्ति चलता है तो उसका सिर ऊपर नीचे जैसे होता है, इस तरीके से वो लाइट ऊपर नीचे हो रही थी। और वो व्यक्ति जब आराधना कर रहा था, जो उसके अंदर भय आ गया। आराधना जब मगन होके खड़ा होके कर रहा था, बाद में उसके अंदर परमेश्वर का भय आ गया, और उसने परमेश्वर की वाणी सुनी। परमेश्वर ने कोई वचन उसको बोला, उसने उस वचन का के सामने इतना दीन और नम्र हो गया, बस उसके आत्मा से सिर्फ ये निकला, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, 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 ऐसा कहता रहा। और वो इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया कि उस कमरे में वो ठहर ना सका। वो नया नया प्रभु में था, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी इस बात की कि उसको उस कमरे के अंदर ही घुटनों पर बैठना चाहिए था, लेकिन उसके लिए वो एक अनोखी बात थी, नई बात थी। वो धन्यवाद करता हुआ और भयभीत होता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसका एहसास जबरदस्त था। और कई साल बाद उस व्यक्ति को समझ में आया कि उस दिन उस कमरे से बाहर नहीं निकलना था, कमरे के अंदर ही घुटनों पर बैठना था। और जो प्रभु ने वचन बोला था, हो सकता था उसके बाद प्रभु कुछ और बोलते, हो सकता था उस व्यक्ति को परमेश्वर कुछ खास अभिषेक या कोई परमेश्वर उसके ऊपर कोई वरदान
या आशीष को खोलते या कोई भविष्यवाणी या दर्शन देते, उस व्यक्ति को आज तक पश्चाताप है कि वो क्यों नहीं उस दिन रूम के अंदर रहा और घुटने क्यों नहीं टेक पाया। वो भयभीत हो गया, वो दीन होके नम्र होके झुकता हुआ वो आराम से गेट से बाहर निकला और उस कमरे के अंदर उसको जाने की हिम्मत नहीं हुई। काफी देर बाद उसके बाद में वहां से उपस्थिति चली गई। तो परमेश्वर का वचन जीवित है, वो किसी व्यक्ति के अंदर जब जाता है तो उसके बॉडी में, उसके शरीर में, प्राण में, आत्मा में काम करता है। इसलिए हमें परमेश्वर से अधिक अधिक प्रेम करना चाहिए। जो बातें हमने कान से ना सुनी और आंखों से देखी भी नहीं है, वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने भय रखने वालों के लिए रखी है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमको काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं, खुली पड़ी हैं। इसलिए संसार के मनुष्य से ना डरना, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। इस संसार के लोग चाहे कितने ही बड़े विद्वान हो, चाहे कितने ही धनवान हो, कितने ही पैसे वाले हो, यदि परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर के भेदों को जो जानते वो नहीं डरेगा, क्योंकि वो जानता है किस सृष्टिकर्ता, आकाश और पृथ्वी का जो करता है वो उसका परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता कुछ भी ढका नहीं है, ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति जो दूसरों पे दोष लगाता है, चाहे वो धन से, चाहे बल से, चाहे ताकत से, चाहे छल से, कैसे भी किसी को धोखा देता है या किसी को गड़बड़ी में डालता है, फंसाता है, उस सब बातों को लेकर परमेश्वर के मध्य में, परमेश्वर के साथ रहते हुए कोई व्यक्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर जीवता है और उसका वचन दोधारी तलवार के समान है। जिसके पास परमेश्वर की वाणी और वचन है वो इस संसार में विजेता है। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने, कि मेरा वचन जिसके अंदर है और मैं उसके भीतर और वो मेरे भीतर रहेगा और हमारी संगति होती रहेगी। तो परमेश्वर के वचन को प्रभु के लोग, यीशु मसीह के वचन को हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन नुकसान नहीं करेगा। वो संसार की तलवार जैसा नहीं है, वो तो परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है। वो एक जलती झाड़ी में भी जब आया तो उसको भी भस्म नहीं किया, वो किसी का नुकसान नहीं करता है। परमेश्वर का वचन हमारी भलाई के लिए, हमारे प्राण के अंदर से, हमारी आत्मा के अंदर से, गांठ के अंदर से गलत चीजों को निकाल कर सफाई करता है और हमें समझने की शक्ति प्रदान करता है, ताकि हम जो धुंधला देखते हैं साफ साफ देखने लगे, हम परमेश्वर के बारे में एक सही समझ प्राप्त कर सके। और परमेश्वर के प्रति कोई भी हमारे अंदर कड़वाहट, डहा, गुस्सा ना हो। बहुत लोग परमेश्वर से मन ही मन डहा करते हैं, बहुत से कष्टों में साहस छोड़ देते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ता और उस वचन को समझ लेता है, वो उस परमेश्वर के वचन की सामर्थ को जान जाता है और परमेश्वर का वचन उसकी लाइफ को बदल देता है। परमेश्वर का वचन ही है जो बहुत लोग सुनते हैं, जो मृत्यु के फाटकों के पास पड़े थे, उन्होंने मृत्यु के फाटकों से वो उल्टे फिर गए, परमेश्वर के वचन उनके पास पहुँचे, वो आज तक जिंदा हैं। बहुत सौ के पास परमेश्वर के वचन पहुँचे और वो मृत्यु से बच गए, बीमारियों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच गए,
और परमेश्वर ने जीवन दिया। तो परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए मानव जाति और प्रभु के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को पढ़े। ये अवसर है हमारे पास वचन को अधिक अधिक पढ़ने का। नहीं पढ़ा जाता है तो भी घुटनों पे प्रार्थना करके मांगो, प्रभु मैं पढ़ पाऊँ तेरे वचन को, तेरे वचन के भेदों को मेरे ऊपर खोल प्रभु। प्रभु जी मेरे शरीर में वचन जाए अंदर, गांठ गांठ गुद्दे गुद्दे को छेदे, आर पार छेदे, मांस को भी छेदे, प्राण को भी छेदे, गांठ को भी छेदे, गुद्दे को भी छेदे, अलग अलग छेदे, आर पार छेदे, ताकि मैं अपनी भावना और विचारों को जांच सकूं। राजा दाऊद भी कहता है कि हे परमेश्वर मेरी चिंताओं को परख और जान ले और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। तो परमेश्वर का वचन ऐसा है कि दाऊद जैसे व्यक्ति ने वचन को समझा जाना और परमेश्वर के वचन के बारे में उसने कहा कि वो मेरी राह के लिए दीपक है, वो मेरा उजियाला है। यीशु ने कहा कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने अंधकार से प्रेम करा। तो परमेश्वर का वचन ज्योति है, वो देहधारी होकर यीशु मसीह के रूप में आया और उसी के ये वचन हैं, ये वचन जीवित हैं। यीशु मसीह जैसे जीवित है, ये वचन भी ऐसे ही जीवित हैं। इन वचनों को अंदर रखना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह इस ऑडियो को सुनने वालों को की समझ को खोले, बुद्धि दे इनको पिता, और जो भी इनको भटकाने वाली दुष्ट शक्तियां हैं उनके ऊपर परमेश्वर का वचन आए और जीवित वचन आए, प्रबल और हर दोधारी तलवार से भी जो चोखा है वो वचन इनके ऊपर आए, प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग अलग आर पार छेदे और सब भावनाओं और विचारों को जांचे और इनको शुद्धि दिलाए और वचन इन्हें न्याय धर्म की शिक्षा दे और इन्हें पवित्र करे। क्योंकि प्रभु यीशु आपने कहा मैं इनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि ये भी जो वचन मैंने इनसे कहा उस वचन के कारण ये भी शुद्ध हो जाएं। इसलिए प्रभु अपने लोगों को अपनी पवित्रता में, अपनी शुद्धता में चला और शैतानी बंधनों से छुटकारा दे और जीवित वचन उनके अंदर पहुँचे, यीशु के नाम में आमेन।